नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी की समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको LT और TGT इत्यादि परीक्षाओं के माध्यम से चयनित पदों पर आपको प्रथम वेतन कितना मिलता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारे कई मित्र इस संदर्भ में हमसे बातचीत किया और हमसे पूछने का प्रयास किया कि वर्तमान समय में LT ग्रेड में चयनित अध्यापकों को कितना वेतन मिलता है। तो चूंकि कई लोगों ने पूछा, तो हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब उनको मिल सके। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझना आवश्यक है कि छठा वेतनमान और सातवें वेतनमान, इन दोनों में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में अंतर है कि पहले ग्रेड पे और पे बैंड के आधार पर, पे बैंड और ग्रेड पे को जोड़ करके बेसिक पे बनता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में इन दोनों ही व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और अब मैट्रिक्स लेवल की व्यवस्था की गई है। और वर्तमान समय में जो LT ग्रेड या TGT के जो टीचर हैं उन्हें मैट्रिक्स लेवल 7 में रखा गया है, जिसे पूर्व में 4600 ग्रेड पे के नाम से जाना जाता था। तो मैट्रिक्स लेवल 7 में जो उनका एंट्री पे है, जैसे यहाँ पर इस तरीके का जो है पैटर्न आपको पूर्व में दिखाई पड़ता था, पूर्व में इस तरीके का जो है ग्रेड पे आपको दिखाई पड़ता था, लेकिन अब इसके स्थान पर जो है मैट्रिक्स लेवल बना दिया गया है, मैट्रिक्स लेवल बना दिया गया है। और मैट्रिक्स लेवल में इंट्री पे, इनिशियल इंट्री पे व्यवस्था की गई है जो कि 44,900 इंट्री पे इस मैट्रिक्स लेवल में, यानी कि मैट्रिक्स लेवल इसे 7 का दर्जा दिया गया है, 7 के रूप में इसे जाना जाता है। मैट्रिक्स लेवल 7 का जो इंट्री, इनिशियल इंट्री पे है, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और इंट्री का मतलब जब उस मैट्रिक्स लेवल में आप प्रवेश करेंगे तो प्रारंभिक जो वेतन मान है वो 44,900 रुपए है। इसे ही आप बेसिक पे के रूप में जानते हैं और इसके आधार पर आपको कुछ और भी परिलब्धियां जोड़ी जाती हैं जिनको मिला करके आपका पूरा वेतन बनता है। तो इसमें 44,900 है। अब इसमें आपको दो और चीजें दी जाएंगी, एक तो आपको DA दिया जाएगा और प्लस एक HRA की व्यवस्था की जाएगी। DA का मतलब जो है महंगाई भत्ता है और HRA का मतलब आवास भत्ता, होम रेंट अलाउंसेस आपको उपलब्ध दिया जाएगा। ये सभी पदों के लिए व्यवस्था मिनिमम है। पूर्व में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए CCA यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज नगद प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है था, लेकिन COVID-19 के कारण से इस प्रकार के भत्ते को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान समय में जो LT और TGT के शिक्षक होंगे उनको उनके इनिशियल इंट्री पे के साथ साथ, यानी कि प्रवेश करने पर जो बेसिक उनका पे बनेगा उसके साथ DA और प्लस HRA जोड़ करके उनका संपूर्ण वेतन बनता है। तो वर्तमान समय में अगर महंगाई की बात करें तो 17% महंगाई की दर है, यद्यपि यह दर बढ़ रही है और वर्तमान समय में यह 28% पहुंची है, लेकिन COVID-19 के कारण से 17% से आगे की बढ़ी हुई दरों को फ्रीज किया गया है, रोका गया है, जिसे 1 जुलाई 2021 से लागू करने की बात कही गई है। यद्यपि आने वाले समय में यह बात निश्चित होगी कि इसे दिया जाता है या नहीं, बाकायदा इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश जारी होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो वेतनमान की दरें हैं, जो महंगाई दरें दी जा रही हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 44,900 का DA 17% अगर जोड़ा जाएगा तो 7633 रुपए होगा, 7633। इसे अगर 17% आप लोग निकालेंगे तो यही चीज आएगा। अब दूसरी व्यवस्था है HRA। HRA ये पदों के अनुसार अलग अलग पदों पर अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान समय में LT और TGT के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 1840 रुपए दिया जाता है, तो इसमें 1840 रुपए और जोड़ दिया जाएगा, यही आपका पूरा वेतन बनेगा। 3 हो गया और 4 × 3 = 7 हो गया और 9 × 6 = 15 और 8 = 23 हो गया और इसी तरीके से 7 × 8 = 8 × 4 = 12 और 1 × 13 = 14 के 4 हो गया और 4 × 5 हो गया। इस तरीके से आप लोगों का वेतन जो है 54,373 रुपये वर्तमान समय में
प्रारंभिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। अगर इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए, वर्तमान समय में 28% जो है आपका डीए पहुंच गया है, और जो कि जुलाई में जिस तरीके से आपके जो डीए की व्यवस्था है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं में पिछले 6 महीने में जितने भी प्रतिशत वृद्धि होती है, उन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की महंगाई में वृद्धि के आधार पर आपके डीए में वृद्धि की जाती है, जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अनुमान लगाए जा रहे हैं, 3 से 4% इसमें बढ़ने की संभावना है, जो कि अभी 28 चल रहा है, और इसमें अगर 4% बढ़ता है तो ये आपका 32% हो जाएगा। वर्तमान में आपको मिल रहा है 17%, यानी कि आपको 15% अधिक दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर 15% जोड़ लिया जाए, 15% किसका जोड़ा जाएगा, आपके 44,900 का, तो 44,900 का अगर 15% और बढ़ा दिया जाएगा तो ये 6736 रुपए होगा, 6736 रुपए होगा। ये आपका जो है जुलाई 2021 से वेतन बनेगा, और ये होगा 61,109 रुपए, ये आपका जो है जुलाई से आपका वेतन होगा। यद्यपि एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जो जुलाई से ये महंगाई भत्ते लागू होते हैं, इसे कुछ आगे की डेट में जाकर के लागू किया जाता है, हालांकि इसे बैक डेट, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, भूत लक्षी प्रभाव उस रूप में इसे जुलाई से लागू किया जाएगा, लेकिन दिया जाता है ये जाकर नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि सरकार अपने बजट और विभिन्न प्रकार के प्रभावों का कैलकुलेशन करने के बाद इसे लागू करती है। तो इस तरीके से एलटी ग्रेड और एलटी के साथ साथ जो है एलटी के साथ साथ टीजीटी का भी यही वेतन मान होता है। एलटी और टीजीटी की प्रशासकीय व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपका वेतन मान सेम इसी तरीके से होता है। तो ये व्यवस्था रही ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए, और इसी तरीके से यदि कोई शहरी क्षेत्र में नियुक्त होता है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा। जो ये 1840 है, ये जो है 2710 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि जो इसमें डिफरेंस है वही धनराशि यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम इतनी वेतन तो आपको दिया ही जाएगा, चाहे आप ग्रामीण में हो या शहरी में हो, क्योंकि शहरी क्षेत्र में होंगे तो इससे ज्यादा होगा, और ग्रामीण में होंगे तो इतना अवश्य दिया जाएगा। तो इस तरीके से 54,373 रुपए वर्तमान समय में यदि किसी का भुगतान किया जाता है प्रथम वेतन के रूप में, तो ये होगा, और जुलाई से आपका वेतन जो है इस इतना होने की संभावना है, यदि सरकार के द्वारा डीए जो फ्रीज किया गया है उससे देने के लिए कोई शासनादेश जारी कर दिया जाता है, जैसा कि सेंट्रल के लिए जो इस तरीके की व्यवस्था कर भी दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में विभिन्न प्रकार के मित्रों और अपने संबंधियों के द्वारा पूछे गए सवालों को समेटने का मैंने इसमें प्रयास किया, जिससे न केवल उन लोगों को बल्कि उनसे संबंधित और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और उनकी जिज्ञासाओं का जो उत्तर उन्हें मिल सके। तो पुनः अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।